तो कहनी कि ना फायदा नहीं है दुकान खोलना में, पाकिट में पैसा नहीं, तो सोचनी कि अब भैंसे चरा वाला में फायदा बा। अरे मैं तो परेशान हो गई हूँ खोजते खोजते, आखिर कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा मेरे सपनों का गरीब लाचार बेरोजगार राजकुमार। क्या गरीब लाचार बेरोजगार राजकुमार, तू कौन दुनिया से आई बाड़ू हूँ? हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए किसी गरीब लाचार बेरोजगार लड़के से शादी करके उसे अमीर बना देना चाहती हूँ। साचू? हाँ तुम अगर किसी गरीब लड़के को जानते हो तो प्लीज मुझे बताओ। आए? तो हम का तहरा अंबानी के दामाद लिखा लगा था। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब कि हमारा से बेसी गरीब के बाय ब्रह्मांड में है, माने हम खानदानी गरीब है सो। रुको विश्वास ना करे, हमारे बचपने से सपना रहे कि हमरो घर में एगो टीवी रही तो हम खटिया के नीचे बैठ के देखती। क्या खटिया के नीचे बैठ के? हाँ तो ये खटिया पर 37 आदमी के बैठी। गरीब आदमी बानी सोनू, अब गरीबी में आदमी का करो, सोचे लगी चल बैठल बैठल बानी से तो दो चार गो लड़के पैदा कर दिया। नहीं करते करते 37-38 आदमी घर में होगा रहे, 3-4 पट्टी के आंगन में। वो तो गनीमत भैल की हाजा फैल गए गाँव में कि 15-20 गोरा मर गए ना सो। ना तो आज खड़ा होकर जगह ना रही घर में। हाँ अच्छा छोड़ा वो सब, घर में टीवी आया कि नहीं? ना टीवी तो ना आई, लेकिन हमारा बाबा के टीवी हो गई। क्या? हाँ डॉक्टर कहला कि इनका छाती में टीवी हो गई। अब तो हम ये बात सुन के बहुत खुशी भइल हमारा कि चलो अब बाबा के छाती में टीवी देखे के मिली। तो एक दिन बाबा हमार मुंह बा के जोर जोर से खखत रहे तो हम देखने तो कहीं अरे बाबा के तो डीवीडी खुलल बा, डीवीडी के कैसे देखो मुँह में ठूस दे। चला ना टीवी तो ना चलल, लेकिन हमारे बाबा चल गए दुनिया से। तो बहुत खतरनाक गरीब बानी सर, हमारा से ब्याह कर ली। तुम गरीब हो, तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी भैंस है। भैंस? अरे भैंस हमार थोड़े ही हो, ये तो पोसाव ले ले बानी सर। क्या? हाँ बौसी की यहाँ से जाके पोसाव ले आई बनी। आई हो भैंस तो मतलब का कही हो, हम ये सोच के ले आई नहीं सकी चलो कहीं दो चार गो पारी दिया जी तो किस्मत पलट जाए, हाथ पर दो चार गो पैसा कौड़ी हो जाए। तो ये तो जब से ले आई बनी सो तब से खाली पड़े बिया। ये गरीबी में आवड़ी गरीबी बहते जाता बिया कौनी। अच्छा तो तुम्हारे घर में कौन कौन है? वैसे परिवार में तो ढेर लोग बा, लेकिन हाँ मैं घड़ी फारका खाते। हाँ आ परिवार ढेर नहीं थे, 3 गो मेहरारू बारी सह आ 9-10 गो लड़के, एकदम ठोस परिवार। क्या तुमने 3-3 शादियाँ की है और 9-10 बच्चे भी हैं? हाँ 3 गो ब्याह को ले, मतलब हम का कहीं आदमी के गरीबी का ना करा देवे। तो क्या ये शादी और बच्चे तुमने गरीबी के कारण किए हैं? तो रवे का बुझाता, हम सुख सोहबत कैले बनी है गरीबी के कारण कैले बनी। तो हम सोचनी कि चलो 3 गो ब्याह करम तो 3 हाली दहेज मिली तो कुछ पैसा कौड़ी हो जाए, लेकिन कहाँ दिला सो कुछ ना दिला सो। ऊपर से हम कह रही बारात में पैसा के माला पहन के वो मजाक करत करत सब चुरा ले ली सो। और सियाए मेरी तो खाली डोरी माँच को रहे पैसा के, तुम ही को दस तो क्यों ना रहे। जी हाँ जी हमारे कहाँ से कर्जा कार के दस तो किया के बनवेले रहे माला, अब कहत रहे कि दो हमारे ले आगे कोई से कहाँ से दी। वही घड़ी से ताना मारे ले कि पैसा हमार दो पैसा कहाँ से दी पैसा। भैंस भी आएगा तो वो खाली पड़े भी आती है। इतना खतरनाक गरीब बानी साहब, रुको ब्याह करे के पड़ी बुझा तो। और 9-10 बच्चे क्यों पैदा किए? अरे लड़के तो 1200 के घर के खर्ची चलता ना, तो हाई भाई चरावला से का होखे वाला बा। क्या तुम उनसे काम करवाते हो? ना ओकनी के सरकारी स्कूल में नाम लिखवा देले बनी, वही में जाला सब पढ़े खिचड़ी खाए के मिल जाला
स्कूल ड्रेस के जौन पैसा मिलेला वही से घर के खर्ची चलता हम। दो साल से वहीं पर रोक लाग गई बात देखी ना अब कैसे घर के खर्ची चल। अब रंगे हमारे से ब्याह को रहेंगे पूरी अब हमारे को उपाय लौकत नहीं।